हे गाइस, व्हाट इज़ अप। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हाइब्रिड के ऊपर। हाँ जी, तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है हाइब्रिड अटैक को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम कहेंगे हाइब्रिड अटैक का जो है मैं गाइड देने वाला हूँ कि कैसे कोई भी जो बिगनर है, जैसे मैंने आपको बताया था कल तक मैं भी जो हाइब्रिड अटैक में था बिगनर था, बट अगर आज आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने कल से कम नहीं तो 10 से 15 अटैक जो है मैंने लगातार किए हैं हाइब्रिड में। और अगर मैं बताऊँ तो अब मुझे जो है 70 से 80% जो बेसिक्स होता है हाइब्रिड का वो आ चुका है। तो हाँ जी, आज का वीडियो होने वाला है कि हाउ टू डू हाइब्रिड अटैक्स। तो चलिए चलते हैं हाइब्रिड अटैक के ऊपर। तो चलिए मैं आपको अपने रिपेस दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपको हाइब्रिड अटैक करने कैसे। तो हम सबसे पहला अटैक जो आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे 100% वाला। तो चलिए, अगर हम बेस को देखें तो बेस जो है ये टर्नल 14 का मैक्स है, वॉल्स थोड़ी मैक्स नहीं है, बट ऑल जो है डिफेंसेस जो है पूरे मैक्स हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपको इसको 3 स्टार करना कैसे, तो देखिए गाइस मैंने इसको 3 स्टार किया कैसे। अगर मैं बात करूँ इस बेस की, तो ये बेस है, अगर आप इलेक्ट्रो ड्रैगन या कोई भी एयर ट्रूप लेंगे तो उसके लिए बहुत ही टफ बेस है। क्यों टफ बेस है? क्योंकि इसमें जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही स्पेस स्पेस में जो है प्लेस की गई हैं, जो बिल्डिंग्स के बीच की इन बिटवीन स्पेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है, बहुत ही दूर दूर है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको बेसिकली जो है हाइब्रिड में करना क्या होता है। हाइब्रिड में आपको जो है, अगर आपके आप टाउन हॉल कंपार्टमेंट तक पहुंच सकते हैं क्वीन चार्ज करके, क्वीन और हीलर्स के साथ अगर आप जो है अगर टाउन हॉल को ले सकते हैं तो उससे बढ़िया बेनिफिट कुछ होगा ही नहीं। और हमेशा कोशिश कीजिए करिए कि आपकी जो क्वीन है उसकी एबिलिटी यूज ना हो या फिर वो है जो मरे ना। तो देखते हैं मैंने अटैक स्टार्ट कैसे किया। मैंने अटैक स्टार्ट किया 1 PM से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे जो है टाउन हॉल चाहिए था, तो टाउन हॉल कंपार्टमेंट के लिए मैंने जो है क्वीन को 1 PM पे जो है डाला। उसके बाद मैंने उसके पीछे से डाला एक सुपर वॉल ब्रेकर, बट उसे जो है क्योंकि मेरा कम लेवल 8 का है तो जो है वॉल ब्रेक नहीं हुई, तो मैंने जो है एक वॉल ब्रेकर और डाला और जो हमारी पहली वॉल थी वो ब्रेक हो गई थी। उसके बाद में जो है क्योंकि मेरी क्वीन की जो हेल्थ है वो डाउन जा रही थी, तो मैंने जो है उसके ऊपर जो है रेज कर दिया और रेज के पीछे से मैंने एक वॉल ब्रेकर और डाला ताकि जो हमारी क्वीन है जो एकदम जो टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट है उसमें जा सके। और अगर आप देखें तो साइड से जो है मैंने एक ये थी डाल दिया था ताकि जो है जो पूरा फनलिंग सही से हो सके और क्वीन है जो प्रॉपर कोर में जा सके। या मैंने एक जो है इसलिए डाल दिया था क्योंकि जो अपना एयर डिफेंस है वो हमारे हीलर्स को टारगेट कर सकती थी। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है मैंने इस पूरे कंपार्टमेंट को मेरी क्वीन ने जो है क्वीन वॉक्स के साथ मैंने टेक डाउन कर दिया है। और आई थिंक लास्ट तक इस अटैक में मेरी जो क्वीन है वो नहीं मरेगी। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अटैक्स ठीक से कैसे कर सकते हैं। फिर जो है जब मेरी वो पूरा कंपार्टमेंट क्वीन ने टेकडाउन कर लिया, उसके बाद में मैंने जो है साइड से जो है फनल स्टार्ट किया अपने SB सीज बैरक और किंग के साथ, ताकि जो है मैं अपना जो है 3 o'clock के आसपास से, 3 o'clock कहेंगे इसको या 5 o'clock कहेंगे, यहाँ से जो है इन बिल्डिंग्स पे लेबोरेटरी जो है यहाँ से मैंने अपने माइनस और अपना वार्डन और अपने जो है पीछे से हॉक्स डाल के और इस बेस को ये जो है पूरे प्रॉपर बीच में आते हुए स्कैटर शॉट को लेते हुए और ये सारा कंपार्टमेंट ले सकें। तो चलिए अटैक जो है थोड़ा तेज कर देते हैं, 2x2 स्पीड पर कर देते हैं। तो देखिए कैसे किंग जो है इसके पीछे मैंने जो मैंने बताया था मैंने आपको माइनस मैंने छोड़ दिए हैं, उसके पीछे हॉक्स और हॉक्स के पीछे मैंने बुड्ढा जो अपना छोड़ दिया है। फिर जो पहले हीड मैंने डाली वो मैंने डाली स्कैटर शॉट के ऊपर। क्यों मैंने वहाँ डाली? क्योंकि जो है मल्टी इन्फर्नो भी था जो हमारे हॉक्स को और हमारे जो माइनस उनको टारगेट करता था, और साथ में जो है स्कैटर शॉट भी था, तो यहाँ पे जो डिफेंस था जो डैमेज पर सेकंड था वो काफ़ी हाई था, इसलिए जो मैंने मेरी पहली हील है वो यहाँ पे डाली है मैंने। और उसके बाद में जो है अगर आप देखेंगे जैसे ही जब जो मेरे हॉक्स है वो कोर में आए तो वहाँ पे डैमेज पर सेकंड था वो बहुत ज़्यादा था, तो जो मैंने अपना बुड्ढा जो है वार्डन जो है उसकी एबिलिटी दे दी मैंने। और देखिए कैसे कैसे जो है मैंने गई इस अटैक को आगे एग्जीक्यूट किया है। साइड से जो है मैंने अपना आप कहेंगे 10 11 o'clock से मैंने जो है उसी के साथ जब मैंने अपने वो जो माइनस छोड़े थे उसी टाइम मैंने जो है अपनी रॉयल चैम्पियन के ऊपर से छोड़ दी थी। तो देखिए कैसे रॉयल चैम्पियन और जो है मेरे सेटअप जो है क्लीन अप करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे जो है ये बेस जो था ये आराम से 3 स्टार हो गया था। तो गाइस आपको भी ये करना है कि कोई भी जो बेस होता है आपको उस बेस को लेना है और उसके जो जैसे एक अटैक में आपको करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं एक बेस की तरफ और फाइंड करते हैं एक बेस जिस पर हम अटैक कर सकें और देखते हैं कितने स्टार ले सको इस बेस पे।
हमें सब इस चीज़ में रूट भी अच्छी हो, ट्रॉफीज भी अच्छी हो और बेस भी थोड़ा दिखने में अच्छा हो, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कैसे आप टाउन हॉल 14 जो मैक्स को भी जो है आप आराम से कर सकते हो। तो गाइस हम जो है इस बेस पर अटैक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको टाउन हॉल 14 का जो मैक्स बेस है आपको इसको 3 स्टार कैसे करना है। तो हम जो हमारी क्वीन है, क्वीन से हम स्टार्ट करेंगे 1 o'clock बोल दीजिए, जो बोल सकते हैं आप, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वीन के साथ। आगे हम जो है पे हम जो है वॉल ब्रेक करने के लिए, क्वीन जो हमारी है वो सही कंपार्टमेंट जा रही है जहां क्वीन को चाहते हैं कि हमारी क्वीन जाए। तो गाइस इसमें जो आपको है पेशेंस चाहिए, ये पेशेंस के बिना जो है आपका अटैक जो है फेल हो सकता है। ये काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आपका अटैक है, हम यहाँ पे एक रेंज और डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंस है वो काफ़ी जो है ज़्यादा है, और डिफेंस के पीछे हम डाल देंगे हमारा एक और। तो जो ये कंपार्टमेंट है शायद जो हमारी क्वीन है वो इसको ले रही है, तब तक जो है मैं जो है क्वीन के ही पीछे एक हेडेंट डाल देता हूँ, ताकि जो हमारी क्वीन है वो हम क्वीन की एबिलिटी देंगे। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा है, और चलिए गाइस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अटैक है। चलिए देखते हैं कितने स्टार हो पाए, लेट्स सी इफ यू कैन स्टिल 3 स्टार दिस बेस। या फिर आपको जो बेसिक्स था, जो बेसिक्स मैंने बताई दिया कि जो है आपको करना क्या होता है इस अटैक में, तो आप भी जो है ट्राई कर सकते हैं इस बेस को आराम से 3 स्टार करने का, जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हैं इस बेस को 3 स्टार। तो बस आपको कुछ नहीं करना है गाइस, जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाते हुए जो आपको इस बेस को है आराम से आप जो है 3 स्टार कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी कोई भी जो बेस होता है आप ट्राई करेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया, मैं भी कोई प्रो अटैकर नहीं हूँ, मैंने भी जो है अभी स्टार्ट किया है। आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे, तभी जो है ट्राई करने से ही आप कोई भी अटैक है कुछ भी जो है पूरी जो लाइफ है, लाइफ में आप कुछ कुछ ट्राई करेंगे तभी जो है आप जाके कोई भी चीज़ सीख पाएंगे। तो यही होता है गाइस जो लाइफ का फंडा है, ट्राई ट्राई, और जो ट्राई है वो अगेन एंड अगेन कीजिए, ताकि जो है आप आराम से सीख सकें एक टाइम पे आगे। तो आई थिंक जो है ये बेस हमारा 3 स्टार हो सकता है, क्योंकि जो हमारे जैसे मैंने आपको बताया अटैक जो था, मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है क्या करना है, और ये जो बेस है 3 स्टार हो चुका है। क्लीन अप जो है मैंने कम लिए थे, बट ऑल दो जो है सब जैसा मैंने एग्जीक्यूट किया था प्लान वैसा हो गया। तो आपको मैंने बता दिया कि जो आपको अटैक कैसे करना है गाइस, जो है बेस बहुत ही इजीली 3 स्टार हो चुका है, टाउन हॉल 14 जो है मैक्स बेस था ये। तो ऐसे गाइस आप जो है हाइब्रिड आर्मी का यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी टाउन हॉल 14 और 13 जो मैक्स है उसको आप ईजिली 3 स्टार कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिकली गाइड बता दिया कि आपको जो है यूज़ कैसे करना है हाइब्रिड को, आपको कैसे अगर जो है अगर कंपार्टमेंट आपका टाउन हॉल वाला पास में हो तो आपको उसको लेना है, और जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया जो राउंड बेस था, तो आपको कैसे अपना कंपार्टमेंट तक पहुँचना है, कैसे रेज यूज़ करनी है, मैंने सारा आपको बताया
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, वीडियो में कमेंट कर दें आपका फेवरेट पार्ट क्या था, या कौन सी आपको अच्छी लगी कौन सी समझ नहीं आई, और वीडियो की जैसे शेयर कर दें ताकि जो है हमारी आप हेल्प कर सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।